फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 11 ऑफ क्लास 7, अ करेजियस एक्ट। आज हम कक्षा 7 का, सातवीं कक्षा का पाठ नंबर, अभ्यास नंबर 11, एक बहादुर वाला काम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। इतवार का रोज था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, उत्तेजित होना, खुश होना। गायत्री बहुत ज़्यादा खुश थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वो जा रही थी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपने पिता के साथ। गायत्री के पिता वाज ए फिशरमैन, वो एक मछुआरा थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। हर दिन रोज़ाना वो जाता मछली पकड़ने के लिए समुद्र। समुद्र के पास वो जाता रोज़ाना मछली पकड़ने के लिए। ही हैड प्रोमिस्ड सेकेंड फॉर्म में प्रोमिस का वादा करने का। उसने वादा किया था, उस मछुआरे ने वादा किया था गायत्री, दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, कि वो गायत्री को मछली पकड़ना सिखाएगा। वुड टीच सिखाएगा हर फिशिंग, उसको मछली पकड़ना। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टेक अप मीन्स अपनाना, हर फादर्स प्रोफेशन काम, तिजारत या पेशा। वो अपने पिता का पेशा को अपनाना चाहती थी। कब? वैन शील विल ग्रो अप, जब वो बड़ी हो जाएगी। यानी वो कह रही है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपने पिता का सहारा बनूंगी। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेस जूते के फीतों को कहते हैं लेसेस, जूतों का फीता। जैसे कि गायत्री टाइंग बांध रही थी अपने जूते के फीतों को। शी हेयर्ड ए न्यूज़, उसने सुना एक खबर। फ्लैश्ड, जो प्रसारण हो रहा था, समाचार आ रहा था ऑन रेडियो पर। साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं समुद्री लहर को, जब तेज़ आंधी आती है उसको साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। तूफान स्टॉर्म यानी समुद्री तूफान। वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज, एक्सपेक्टेड छू जाना, करीब आ जाना, यानी उम्मीद की जा चुकी थी कि वो गांव को छुएगा। जो समुद्री तूफान जो है, तेज़ हवा, ये गांव तक आ पहुंचेगा। विदिन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटों के अंदर में बाढ़ गांव तक आ जाएगा। शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा, हैवी रेन्स, भारी बारिश एंड हाई टाइड्स, और ऊंची लहरें इन द सी, समुद्र में। यानी गायत्री को पता लग गया था, उसने खबर देख करके बता समझ गई थी कि अब एक आंधी आने वाली है जिसमें भारी बारिश होगी और तेज़ हवा चलेगी। इट वुड टोपल कहते हैं गिरा देने को। इट वुड टोपल ट्रीज, पेड़ों को वो हवा गिरा देगी। एंड डैमेज हाउसेस, घरों को तोड़ देगी। देयर वुड बी हैवी रेन विच कुड कॉज फ्लोड, फ्लूड कहते हैं आंधी तूफान को। देयर वुड बी हैवी रेन विच कुड कॉज फ्लूड, कॉज फ्लूड, फ्लूड कहते हैं बाढ़ को। जब बारिश, भारी बारिश होने लगी तो कारण क्या बना? बाढ़ का। ही रश्ड आउटसाइड, वो दौड़ी आउटसाइड बाहर की तरफ, टू वॉर्न, चेतावनी देने के लिए, हर फादर अपने पिता को। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों यानी गायत्री और उनके पिता, हेयर्ड, सुना यानी खबर सुनी, लाउड क्लैप ऑफ थंडर, थंडर कहते हैं बिजली के तेज कड़क को। लाउड कहते हैं जोर से, तेज, और क्लैप कड़क यानी बिजली की तेज कड़क, दोनों ने सुनी। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन, बारिश की, स्टार्टेड फॉलिंग, गिरना शुरू हो गई
यानी बारिश के भारी भारी मोटी मोटी बूंदें होना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी, वे लोग देख रहे थे किसको, समुद्र की लहरों को, राइजिंग उठ जो कि उठ रही थी, हायर एंड हायर ऊंची, यानी जो लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी उनको इन्होंने देख लिया था। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम को देर के समय में, द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, साइक्लोन ने यानी कि समुद्री तूफान ने, भयानक तूफान ने एरिया को छू लिया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, बारिश लगातार हो रही थी। फ्लूड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, फ्लूड यानी बाढ़ का पानी जो था वो ऑलरेडी एंटर कर चुका था, दाखिल हो चुका था गायत्री के घर में। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, गायत्री ने क्या किया था, प्लेस किया था यानी रखा था ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड, घर की छोटी छोटी चीज़ों को, लाइक फूड जैसे कि भोजन, आर्टिकल यानी छोटे छोटे सामान, छोटी छोटी वस्तुएं, यूटेंसिल्स बर्तनों को, कैंडल्स मोमबत्ती एंड मैच बॉक्स और माचिस को, ऑन द बेड बेड के ऊपर में, तख्त के ऊपर में, टेबल के ऊपर में, चेयर कुर्सी के ऊपर में, यानी छोटे छोटे सामान को रखना शुरू कर दी। बाय द मॉर्निंग, सुबह के वक्त में, लॉट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा पानी हैड एंटर्ड द हाउस, घर में घुस चुका था। आफ्टर एन अनफोर्टेबल नाइट, अनफोर्टेबल सुकून ना होना, कंफर्टेबल जहाँ सुकून होता है, अनकम्फर्टेबल जहाँ सुकून ना हो, यानी रात बेचैनी के बाद, रात कैसी गुजरी, बेचैनी रात के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, टेरेस कहते हैं छत को, गायत्री गई अपने छत के ऊपर में, एंड लुक्ड अराउंड और चारों तरफ देखा, द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज कहते हैं जलमग्न को यानी कि डूबने को, तमाम एरिया, सारा एरिया डूबा हुआ था इन वाटर, पानी के अंदर। ओनली अ फ्यू हाउस, सिर्फ थोड़े घर कुड बी सीन, देखे जा रहे थे, यानी कुछ लोग, कुछ घर बचे हुए थे जो देखे जा रहे थे, जो दिख रहे थे। द लिटिल हट्स, जैसे कि छोटी छोटी झोपड़ियाँ, नियर हर हाउस, उसके घर के पास में यानी गायत्री के घर के करीब, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लूड्स, यानी वो देखे नहीं जा रहे थे, छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी वो बाढ़ के कारण देखी नहीं जा रही थी, सब टूट फूट गए थे। द होमलेस पीपल, होमलेस जो घर के अंदर ना हो यानी बेघर आदमी वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प, जो बेघर आदमी थे वो बैठे हुए थे पेड़ों के स्टम्प पर, स्टम्प कहते थे टहनियों को, पेड़ों के मुंडों को, उस पर ही बैठे हुए थे। एंड एट अदर प्लेस, और दूसरे स्थानों पर, विच वर नॉट स्टम्प, जहाँ पर लोग डूबे नहीं थे, जहाँ पर पानी कम पहुँचा था वहाँ पर लोग मौजूद थे। गायत्री ने सोचा दैट शी शुड डू समथिंग, कि कुछ करना चाहिए, गायत्री को कुछ करना चाहिए। शी स्वैम, ये स्वीम का सेकंड फॉर्म है, स्वीम मीन्स तैरना। शी स्वैम, वो तैरी टुवर्ड्स द बोट, नाव की तरफ, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, आउटसाइड हर हाउस, जो कि उसके घर के तरफ में, बाहर की तरफ में पड़ा हुआ था। शी रोड मीन्स चलाया उस नाव को पावरफुली, जोर से ताकत से, टुवर्ड्स द मैरून पीपल, जो फंसे हुए लोग थे उनकी तरफ, जो लोग डूबे नहीं थे फंसे हुए थे उस तरफ जो है नाव को चला के ले गई। शी हेल्प दैम, उसने उनको बचा लिया। बोट द बोट, सवार हो गए बोट पर, एंड रोड, और चलाया टू द टाउन हॉल की तरफ ले गए नाव में। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी के जरिए उनको रिसीव कर लिया गया, उनको बचा लिया गया, महफूज कर लिया गया।
देन शी रिटर्न, फिर वो वापस हुई होम घर को, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, अपनी माँ से दरख्वास्त की, अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया टू गिव हर सम क्लॉथ्स, कुछ कपड़े देने का कि अम्मी माँ मुझे कपड़ा दो, फूड खाना दो, और मैच बॉक्स माचिस एंड कैंडल्स, और कैंडल्स का क्या करी, रिक्वेस्ट करी। शी पैक्ड दैम इन अ वाटर प्रूफ बैग, उन तमाम चीज़ों को पैक किया एक वाटर प्रूफ थैले के अंदर, एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और वो टाउन हॉल की तरफ वापस हुई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पोररी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं तकसीम करने को, बांटने को, दैम टू द पीपल। शी हैंडेड, उसने हैंड ओवर किया मटेरियल्स को, चीज़ों को, टू द सुपरवाइजर टेम्पोररी शेल्टर, जो कि एक पनाह जगह बनी हुई थी, जो बनाई हुई थी, वहाँ पर जो है लोग थे। डिस्ट्रीब्यूटेड दैम, उन तमाम चीज़ों को क्या कर दिया उसने, बांट दिया टू द पीपल, लोगों को। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, फेल्ट मीन महसूस करना, उन्होंने गर्मी महसूस की और वो खुश हुए। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि वो भी कुछ उन लोगों की मदद कर सकी। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर हर आवर ऑफ नीड, कि उसने जो है उन अपने पड़ोसी की ज़रूरत में उसने मदद की, इसलिए वो भी खुश थी। आगे कहा है, एक शेर है, इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, यानी संकट के दौरान में लोग मदद मांगते हैं, जब आदमी परेशानी में मुबतला होता है, परेशान हो जाता है, तो वो मदद मांगता है। बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं।